नैनीताल जिलाधिकारी के प्रयास से नैनीताल बाजार को एक कुमाऊनी कल्चर दिया गया और कुमाऊनी कल्चर से नैनीताल की बाजारों को सजाया गया जो बेहद ही खूबसूरत है। नैनीताल के बाद जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्बयाल ने हल्द्वानी के बाजारों को भी अब सजाने के लिए पहल शुरू कर दी है। नैनीताल के बाद अब हल्द्वानी शहर के सुंदरीकरण के लिए डिजाइन तैयार कर लिया गया है। इसमें रामलीला मैदान से लेकर पटेल चौक समेत शहर के पुराने बाजार के कई हिस्से शामिल हैं। रामलीला मैदान का डिजाइन तैयार कर लिया गया है। इसके अलावा पटेल चौक से लेकर आसपास की पुराने बाजार को भी संवारने के लिए डिजाइन तैयार करवा लिया गया है। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्बयाल ने बताया कि इस योजना में करीब 5 करोड़ रुपये का खर्च आ रहा है। डीएम के इस प्रयास से हल्द्वानी से पहाड़ों को जाने वाले सैलानियों को कुमाऊनी कल्चर के बारे में पता चलेगा। इसके साथ ही युवा भी कुमाऊनी कल्चर के करीब आ पाएंगे। उत्तराखंड की संस्कृति के प्रचार प्रसार हेतु ये शानदार आइडिया है और इसे नैनीताल में भी लोगों से खूब सराहना मिल चुकी है। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्बयाल ने कहा कि हल्द्वानी के मुख्य बाजार में तमाम दुकानदारों के आगे ठेले खड़े रहते हैं या फिर वाहन खड़े कर दिए जाते हैं। दुकानें बाहर सड़क तक सजा दी जाती हैं। इसके चलते बाजार का कोई स्वरूप नहीं दिखता है। जिला प्रशासन की ओर से बाजार का सुंदरीकरण करने के बाद भी सुंदर स्वरूप लोगों को दिखता रहे, इसके लिए व्यापारियों से भी ठेला न लगवाने और सामान को सड़क तक न फैलाने की अपील की जाएगी। नैनीताल के साथ ही हल्द्वानी बाजार में भी सुंदरीकरण का काम जल्द शुरू हो जाएगा। उसमें देखिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी हमारे पुराने मार्केट्स हैं, चाहे बेस हॉस्पिटल के पीछे वाली हो, पटेल वाली हो, सिंधी चौक से इधर के जितने भी मार्केट्स हमारी तो और रामलीला ग्राउंड है, उनको जरा कुछ व्यवस्थित हम लोग करें और जितना भी अतिक्रमण है उसको हटाएं और उसको व्यवस्थित तरीके से अच्छे सुंदर मार्केट बनाएं जिसमें दोनों तरफ की दुकानों के फसाड एक से हों, आपके भूमिगत आपके बिजली की लाइनें हों, केबल की लाइन हों और एक ऐसा लगे कि आप वाकई में एक अच्छे जो कुमाऊँ के प्रवेश द्वार के जितने भी पुराने मार्केट्स हैं उसको हम ऐतिहासिक मार्केट के रूप में भी ले सकते हैं, क्योंकि पूरे कुमाऊँ में जो भी व्यवसाय होता था आपका वो हल्द्वानी के इन्हीं मार्केट से होता था। तो कहीं ना कहीं हम चाहते थे कि इसको पुराने रूप में ले आएँ। अगर आप देख रहे होंगे शहर में भी जितने भी नए मार्केट्स बने वो अच्छे बने हैं, आपके काठगोदाम रोड में अच्छे अच्छे मार्केट्स अच्छे अच्छे मॉल्स आ गए हैं, लेकिन हमारा भी एक दायित्व तो बनता है कि जितने भी हमारे पुराने मार्केट्स हैं उनके अस्तित्व को भी बचाएं हम लोग और एक ऐसे रूप में ले आए जो एक आकर्षण का केंद्र सारे पर्यटकों के लिए भी हो और हमारे जो डेली के लिए जितने भी लोग हमारे व्यापारियों से व्यापार करने जितने भी लोग कुमाऊँ से भी आते हैं और आपके जो खरीदार वगैरह वहाँ जाते हैं। कितना बजट इसमें खर्च होगा? उसमें देखिए दो तीन मार्केट्स का हमने आकलन किया है, लगभग 20 करोड़ के करीब इसमें खर्चा आने की संभावना है।